उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां सीमा पार से हथियार की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये सभी नियंत्रण रेखा के पार से हथियारों की तस्करी में शामिल थे। देखिए, पिछले दो हफ्तों में जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने जो है इलाका बारामूला में दो टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा किया है। एक टेरर मॉड्यूल जो 14 सितंबर के रोज़ हमने पकड़ा था, उसमें तीन शख्स गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से दो बारामूला के रहने वाला है और एक पुंछ का रहने वाला है। उनके पास से जो है हमें बड़ी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ है। ये जो तीन शख्स थे, ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के जानिब से जो है ऑपरेट कर रहे थे वैली में, और इनका मकसद ये था कि और एम्यूनेशन प्रोक्योर करके एक्टिव टेररिस्ट जो है लश्कर तोयबा तंजीम के, उन तक ये असला पहुंचाया जाए ताकि वो किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दे सके। लेकिन बारामूला पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से उनकी ये जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर को हमें ये जानकारी मिली कि यासिन शाह नाम का एक शख्स जो जाबाजपुरा बारामूला का रहने वाला है, उसने दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर तोयबा को ज्वाइन किया है और किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। इसी इतला के मौसूल होते जो है जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है पूरे इलाके में गश्त और सर्चिस का सिलसिला शुरू किया। दौरान सर्च हमें पटन के इलाके से ये यासिन शाह नाम का शख्स जो है ये पिस्टल के साथ हमने गिरफ्तार किया, और उसके डिस्क्लोजर पे जो है उसके और पांच साथी जो वागुरा क्रीरी श्रीनगर पारिमपुरा हाजिन बांडीपुरा के रहने वाले हैं उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया, और उनके पास से भी जो है बड़ी मात्रा में असला और हथियार जो है बरामद हुए। इनके तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि यासिन शाह ये एक एक्टिव टेररिस्ट है जो कि अपने साथ साथ इन पूरे नेटवर्क को यहाँ पर चला रहा था, और इस सारे हथियारों के साथ जो है उनको हमारे बारामूला के इलाके में जो है और नज़दीकी इलाकों में जो है किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की उनकी नीयत थी। लेकिन वक्त रहते ही उनको पकड़ा गया है और इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है और भी लोग गिरफ्तार होने की हमें उम्मीद है। सर, इसके दो फीमेल्स पकड़ी गई, और कितना चैलेंज है क्या आपके लिए आने वाले दिनों में? अगर देखिए, फीमेल्स का इस्तेमाल जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बड़े टाइम से करते आए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि फीमेल्स पे शक नहीं होता है या उनके साथ पुलिस सख्ती नहीं करेगी। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि कानून सबके लिए समान है, लिहाजा अगर फीमेल्स भी इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है, लिहाजा अगर फीमेल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उनके ऊपर भी जो है कानूनन कार्रवाई पूरी तरीके से होती रहेगी। सर, इसमें एक ज्यूलेंट भी है, तो आपको नहीं लगता है कि ज्यूलेंट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंट एक्टिविटीज में? बिल्कुल, हमें इस केस में और इसके पहले के केसेस में भी जो है जुवेनाइल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुवेनाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि जुवेनाइल्स के साथ शायद से पुलिस रियायत बरतेगी या फिर सख्ती नहीं करेगी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ प्रोविजंस है जो प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर कोई जुवेनाइल भी अगर हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरीके से प्रोफेशनली और लीगली जो है हैंडल करने के लिए तैयार है।